आमजन की मूलभूत सुविधाओं के निराकरण के लिए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने पिछले साल 2 अक्टूबर से प्रशासन शहरों के संग अभियान की शुरुआत की थी, लेकिन जैसलमेर में इस अभियान में आमजन को कुछ खास राहत नहीं दी। मंगलवार 2 अगस्त को नगर परिषद द्वारा वार्ड नंबर 36 में शिविर का आयोजन किया जाना था, लेकिन सुबह 9 बजे से ही पार्षद नीलाधर दैया के नेतृत्व में वार्डवासियों ने शिविर कक्ष के बाहर ताला चढ़ दिया और शिविर स्थल के बाहर धरने पर बैठ गई। बुजुर्ग महिलाओं सहित धरने पर बैठे सैकड़ों युवाओं ने विद्युत विभाग के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। धरने के दौरान तेज धूप के कारण एक युवक की तबीयत बिगड़ी, लेकिन युवक ने कहा कि जब तक समस्याओं का समाधान नहीं होता तब तक वह धरना स्थल नहीं छोड़ेंगे। बाद में युवक का धरना स्थल पर ही प्राथमिक उपचार किया गया। इस दौरान कोई भी प्रशासनिक अधिकारी मौके पर नहीं पहुंचा। ये प्रशासन शहरों के संग अभियान 2 अक्टूबर से जैसलमेर शहर में चल रहा है। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की मंशा है कि इस प्रशासन के कैंपों के अंदर ही शहरवासियों की वार्ड वासियों की समस्या वार्ड के अंदर जाके ही उनको समस्याओं को निस्तारण करना है। 2 अक्टूबर से रेगुलर में नियमित रूप से विद्युत विभाग के सुपरिटेंडिंग इंजीनियर एक्शन और आईएएस वगैरह को वार्ड में बिजली की समस्याओं से रूबरू करवा रहा हूं, और वार्ड में जो बिजली की जो मेन समस्या है कम से कम 200 घरों के अंदर वोल्टेज 160 170 वोल्ट आ रहा है। भयंकर गर्मी के अंदर पानी की जो बिजली की जो समस्या है उससे जनता आम जनता त्रस्त है। आज प्रशासन शहरों का कैंप है, कल भी मैंने जिला प्रशासन से डिस्कॉम के कर्मचारियों से अधिकारियों से बात की थी, कोई हल नहीं हुआ है। आज हम लोग वार्ड वासियों के साथ में यहाँ प्रशासन शहरों के संग कैंप के आगे धरने पे बैठे हैं। बता दें कि जैसलमेर के वार्ड 36 में 2 अक्टूबर के बाद यह तीसरा शिविर है, लेकिन फिर भी समस्या पर कार्य नहीं हो रहा। वोल्टेज की समस्या को लेकर के हर शिविर में डिस्कॉम के अधिकारियों को इसके लिए अवगत करवाते रहे हैं, लेकिन उनकी ओर से आश्वासन के अलावा हमें कुछ नहीं मिला। समस्या जस की तस बनी हुई है, इसलिए हमने शिविर का बहिष्कार कर धरना दिया, और जब तक समस्या का समाधान नहीं होता तब तक धरना जारी रहेगा। जैसलमेर से गणपत ढैया की रिपोर्ट।